आज से कई सालों पहले समुद्री यात्रा पर निकला हुआ था एक राजकुमार। तब अचानक समुद्री तूफान में फंसकर वो अपनी जान बचाने का संघर्ष कर रहा था। तभी एक सागर कन्या ने आकर उसकी जान बचाई और वो मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार के सामने अपने राज्य में वापस लौटने की परिस्थिति आई। उस पहाड़ की तरफ ले चलो। और गर्भवती सागर कन्या से बिछड़ते समय राजकुमार एक सीप का आभूषण उसे यादगार के तौर पर भेंट देता है। कुछ ही महीनों के बाद सागर कन्या एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है और उस बेटे का नाम वो विजय रखती है। उस बेटे को पाल पोस कर उसे शूरवीर बनाने का जिम्मा वो एक मुनिवर को सौंपती है। और देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा हो जाता है। और तभी गोरखनाथ 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम ही से मिलने आए हैं। कहाँ हो गोरखनाथ? हम तुम्हारे आशीर्वाद के लिए आए हैं। गोरखनाथ बाहर आके हमें दर्शन दो। सब घुटने टेक दो। हम तुम्हारी शरण में आए हैं गोरखनाथ। हमें हर मुसीबत से तुम्हें बचाना होगा। ये लो। मांत्रिक सूत्र है वो, मांत्रिक सूत्र है। जो भी मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। हाँ, ये मांत्रिक सूत्र हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। ये काफी है। बाबू शुक्रिया, बाबू शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे भोजन का प्रबंध किया है ना? हाँ किया है। बुरा मजेदार। माँ मुझे पकड़ दो।
चलो। चलो सुना नहीं? ए चलो 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 ए चलो चलते रहो। ए चलो ए चलो चलो। अगर हिम्मत है तो हमारे आदमियों से मुकाबला करो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लड़के मरने वाले योद्धा मुझे पसंद है, डर के भागने वाले कायरों से मुझे नफरत है। भंगारा, इस जीत का जश्न धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। जाओ जल्दी जाओ, क्या देख रहा है? नाव में लेकर पता नहीं क्या।
सरदार, एक महीने के लिए हमें जितनी खाने पीने की चीजें चाहिए सब भर दिए हैं। शाबाश। एक काम और करो, हमारे कुछ लोगों को शंभू टापू पर भेजकर जीत का जश्न मनाने के लिए जबरदस्त इंतजाम करने के लिए कहो। तुम ये कौन है? पता नहीं सरदार, किनारे पे बेहोश पड़ा था इसलिए आपके पास ले आए। विजय सो गया बेटी? सो गया, उसी के बारे में सोच के मैं परेशान हूँ। उसका भला ही होगा। माँ होते हुए भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आप ही को उसे सब कुछ सिखाना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटी, बचपन में शरारत करने वाले बच्चे ही बड़े होकर बुद्धिमान बन जाते हैं। उसे एक अच्छा इंसान और शूरवीर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। वो इतना महान बनेगा कि पूरी दुनिया उसके गुण गाएगी। ठीक है जी। मैं जल्द से जल्द विजय को अपने पिता से मिलाऊंगा। विजय, कौन है तू? कहां से आया है? मैं जम्बो नगरी का राजकुमार हूं। जम्बो नगरी का राजकुमार? राजकुमार विक्रम भूपति का अनुज। तुम उन्हें कैसे जानते हो? अच्छा सवाल है। तुम कौन हो? मैं शाकाल। शाकाल? मुझे याद किया? आप मुझे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं वो जल्दी कहिए, घर पे मुझे ढूंढेंगे। अगर हम दोनों को एक होना है तो हमें इस नगरी को छोड़ना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तकदीर हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सम्राट प्रताप वर्मा के साथ मेरा ब्याह मेरे घर वालों ने तय कर दिया है। भंगारा, विक्रम भूपति को संदेश भेजो कि वो 20 दिनों के अंदर अंदर हमारे ठिकाने पर आकर हाजिरी दे, और अगर नहीं आया तो उसके प्यारे भाई को कभी जिंदा नहीं देख पाएगा। जिसकी रगों में शाही खून हो वो ऐसे ही छटपटाता है। सुनो, थोड़ा प्यार मोहब्बत से पेश आओ। हमारे मेहमान की थोड़ी खातिरदारी करो। जी सर। मुझे क्यों बुलाए नाना जी, बताइए ना। तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक योद्धा बनाऊंगा, उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अपने नाना का कहा मानोगे ना?
जरूर मानूंगा नाना जी, आज के बाद आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। कल तुम कहाँ थे? याद आया नाना जी, कल मैंने एक अजीब सा घोड़ा देखा। अजीब सा घोड़ा? देखने में वो घोड़े जैसा ही था, लेकिन उसके सर पर दो सींग थे। उसका बदन साधारण घोड़े जैसे नहीं था, उसका बदन और उसकी पूंछ मछली की तरह थे। और एक खास बात है नाना जी, ये घोड़ा जमीन पर भी चलता है, पानी के ऊपर भी चलता है और पानी के अंदर भी। वो जरूर मायावी घोड़ा होगा। जिसके पास दिव्य शक्ति है उस घोड़े को रस्सी या चाबुक से काबू नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ प्यार से ही काबू किया जा सकता है। ऐसी कोई जीव राशि नहीं जिसे प्यार से वश में नहीं किया जा सकता हो। तुम अगर प्यार से पेश आओगे तो वो घोड़ा तुम्हारा दोस्त बनेगा। कोशिश करके देखो। शस्त्र विद्या में आप काफी माहिर हो गए हैं। जानता हूं मैंने तरक्की की है, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। अब हम आप पर 3 अलग अलग हथियारों से हमला करेंगे। मेरी काबिलियत पर चुनौती, मैं तैयार हूं। माफ करना राजकुमार। बोलो क्या बात है? आपके नाम एक पैगाम आया है। देखते हैं। देखिए नाना जी, जैसे आपने कहा मैं उसे प्यार से ले आया हूँ, मैं जीत गया। यकीन है। क्यों नाना जी, आपने उसे क्यों जाने दिया? कितने मुश्किल से मैं उसे पकड़ के लाया था। फिक्र मत करो, वो तुम्हें दोस्त मानता है तभी तो वो तुम्हारे साथ आया था। अब तुम जब भी बुलाओगे वो आएगा। आखिर तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया ना। वो भी कितना खुश है देखो। आज के बाद तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही तुमने घोड़े को वश में किया मुझे यकीन हो गया कि तुम कुछ भी हासिल करने लायक बन गए हो। तुम आज ही अपने पिता की खोज में निकल जाओ। मैं माँ के पास ही रहूंगा। ऐसा मत कहो बेटे। तुम क्या बोलती हो माँ? अपने पिता के साथ रहने में तेरी भलाई है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये तेरे पिताजी का दिया तोहफा है, इसे देखेंगे तो वो तुझे पहचान लेंगे।
माँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं कहते। नाना जी, आप ही बताइए इसे, मैं माँ के साथ ही रहूंगा। माँ की बात मानो, किसी भी तरह अपने पिता को ढूंढ निकालो। तुम्हारा अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त आ गया है विजय, तुम्हें अभी निकलना होगा। इसे दुआ दो बेटी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मेरे बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या सोच रही हैं? पिछले 10 दिनों से मेरा भाई शकाल के कब्जे में है। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सेना तैयार है, कहीं तो मैं भी आपके साथ चलूं। फैसला हो जाएगा, या तो हम रहेंगे या वो शकाल। मैदानी जंग में अगर तुम चलोगी तो तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी हिफाजत करना मैं जानती हूँ। मेरे लहू में भी वीरता की गर्मी है। पूरब की ओर जाओगे तो मम्मी टापू आएगा, जिसमें हजारों मम्मियां रहती हैं, वो बड़ी खतरनाक है। संभल के जाना, रास्ते में कोई भी आफत आ जाए, अपने पिता के पास जाने के तुम्हारे इरादे को छोड़ना मत। कौन सा देश है ये? अप्सराओं की नगरी है। लगता है आप बहुत दूर से आए हैं, क्या किसी खास मकसद से यहाँ पर आए हैं? मैं अपने पिता की तलाश में पूरब की ओर जा रहा हूँ, अब अंधेरा हो गया है ना, इसलिए। तुम्हारे मन की मुराद जरूर पूरी होगी और अपने पिता से मिलोगे। रात को यहीं रुककर आराम करके जाओ। जैसी आप लोगों की मर्जी। जगह कैसे बदल गई?
तू क्या समझता है इतनी आसानी से बच पाएगा? बेवकूफ, क्यों मारते हो? मत मारो इसे, मत मारो, बच्चा है ये, बच्चा। मैं बच्चा नहीं हूँ। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। नाना जी, आप बड़े सही वक्त पर आ गए, नहीं तो मुझे और सूर्या को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती। मैं जानता था ऐसा कोई हादसा होगा, उसे तुम्हें बचाने के लिए ही इसे भेजा। जब तक ये जादुई छड़ी तुम्हारे हाथ में है, कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मैं आया तब यहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं थी नाना जी। वो सब की सब माया थी, इस तरह कई रूपों में रुकावटें आएंगी, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। आगे आने वाला मम्मी टापू इससे भी ज्यादा खतरनाक है, उन मम्मियों को खत्म करना अब तुम्हारा ही काम है। विजय, इस जादुई छड़ी को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। विजयी भव। इस तरह क्या देख रहे हो? कहीं ये मम्मी टापू तो नहीं, जिसे लोग बेताल द्वीप भी कहते हैं? मुझे डर लग रहा है सरदार। ये कैसी आवाज है? सब लोग चौकन्ने रहना। आवाज पेट पर से आ रही है। सरदार, सरदार, यहाँ के देखिए, जल्दी आइए। क्या है, क्या हुआ? लगता है इन खोपड़ियों का मम्मी से ताल्लुक है। इसका मतलब है यहाँ पर जरूर मम्मी होनी चाहिए। लगता है हम गलती से मम्मी टापू में आ गए हैं। ये मम्मी है। अरे कुछ करो।
आदमियों को मार दो। कहा ना सभी मम्मियों को मार दो। मंत्रसूत्र निकालो। दिखाओ। यहाँ कोई है? लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। सूर्या तू यहीं पर रहना, ठीक है? अंदर जाके देखता हूँ कोई है या नहीं। कोई है यहाँ पे? कोई है? जवाब दीजिए, कोई है या नहीं? घोड़ा ये साधारण घोड़ा नहीं है, मायावी घोड़ा है। मशाल जल रही है? किसने इतने सारे फल खाए होंगे? मतलब जरूर यहां पे कोई रहता है। सूर्या सूर्या सुनिए, मेरे घोड़े को मत मारिए, इसे मत मारिए। मेरे घोड़े को क्यों मार रहे हैं आप? तुम्हारा घोड़ा है? किसने कहा कि ये तुम्हारा घोड़ा है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये तो मेरा ही घोड़ा है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये साधारण घोड़ा नहीं है, मायावी घोड़ा है, तुम जानते हो ना? मायावी घोड़े पर अपना कब्जा जमा रहे हो। झूठे कहीं के, झूठे कहीं के, झूठे कहीं के। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कौन सा सच है? जादू टोना जानने वाला ही इस घोड़े को काबू कर सकता है। और तू तू कह रहा है कि मेरा घोड़ा है? ये कैसे हुआ? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ये साधारण छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी है वो? मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं भी मंत्र तंत्र जानता हूँ, इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं हुआ मुझ पर। आप मंत्रवादी कहते हो तो डरते क्यों हो? मैं कहाँ डरता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, आप गुफा में क्यों रहते हो? तुम बड़े अकलमंद मालूम होते हो। यहाँ से गुजरने वालों की मदद करने के लिए ही मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा नाम विजय है, मैं अपने पिता की खोज में पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ। क्या देख रहे हो इस तरह? नहीं कुछ नहीं। तुम पूरब की ओर मत जाओ, वहाँ एक टापू है, मम्मी का टापू। हाँ क्या? हाँ आप सच बोल रहे हो? सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे आग का दरिया है, उसी को
उसी को पार करके तुम्हें जाना होगा। इस चाबी की झड़ी से या मायावी घोड़े के बल से उसे पार करना संभव नहीं है। पूरी तरह मंत्र शक्ति जिसने सिद्ध की हो सिर्फ वही उसे पार कर सकता है। हाँ। क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ? लेकिन उसका एक उपाय है, अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो उसे पार कर सकोगे। मैं उसे पार कर सकूंगा? अनहोनी को होनी करने वाला ये गोरखनाथ है। मैं इसी गुफा में रहता हूँ, मुझ पर भरोसा करके तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें सारे मंत्र सिखाऊंगा। आप सच बोल रहे हैं? चलो 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 सब मैं उसके बाद मैं आग का दरिया पार कर सकूंगा। चलो अंदर चलो, अंदर चलो राजा। नई खबर मिले? मेरे यहाँ आने से पहले ही बहुत सारी लाशें यहाँ बिखरी पड़ी थी महाराज, उनमें से एक में थोड़ी सी जान बची हुई थी महाराज। जब उनसे पूछताछ की आखिर क्या हुआ तो बताया कि मम्मी टापू की मम्मियों ने उन पर हमला किया। ज्यादा जानकारी हासिल करने से पहले ही इसने दम तोड़ दिया महाराज। एक बार दो बार नहीं, कई बार हो चुका है। ज्योतिषी महाराज, समस्या खत्म हो जाएगी कहा था ना? मेरी भविष्यवाणी सच होकर रहेगी, पश्चिम दिशा से एक योद्धा आएगा और इस समस्या का समाधान करेगा। ये कई बार हम सुन चुके हैं, जल्द से जल्द ये होगा महाराज। आज से 7 दिन के अंदर आपकी भविष्यवाणी सच ना निकली तो हम खुद फौज लेकर उस टापू में जाएंगे। आंखें बंद कर दी, मन को एकाग्र करके ध्यान करना है। हाँ, किसी भी तरह की आवाज सुन के आंखें नहीं खोलनी चाहिए। हाँ, मन ही मन ओमकार का उच्चारण करते रहना, अपने लक्ष्य को याद करके ध्यान करते रहना कि अपने पिताजी से मिलना है, आग के दरिया को पार करना है। मन को बहकने मत देना। किस लिए? किस लिए इस छड़ी को अपने पास रखिए? ये तो रुकावट है, तेरे ध्यान में अड़चन करेगी। इस छड़ी को मैं निकाल के रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ। अगर यहाँ कुछ भी हो जाए या तुम पर कुछ भी लगे, आंखें नहीं खोलनी चाहिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे इस तरह नीचे धकेल दिया? जो जिनके हाथ में शोभा देता है वो उसी के हाथ में होना चाहिए। मेरे जादू टोने के साथ इस जादुई छड़ी का मिलाप हो जाए तो इस दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। Thank you.
जादुई छड़ी को देख ये माया भी घोड़ा भी डर गया है। आज से मैं ही तेरा मालिक हूँ, मुझे ठोके तेरा नसीब खुल जाएगा। चुको, मैं कहता हूँ चुको। मैं तेरा काम उतार दूँगा। मुझे शरारत मत कर। मेरी बात मान जा। मेरे काबू में आ जा। नहीं तो मैं इस जादुई छड़ी से तेरी अकल को ठिकाने लगा दूंगा। सिर्फ इंसान को ही नहीं, जानवर को भी अपनी जान प्यारी है। महाराज पधार रहे हैं। ए बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत! महाराज क्या मन के समय घोड़े पे बैठ के रास्ता रोक रहा? अपने घोड़े पे मैं बैठूं या खड़ा रहूं? इसका सवाल करने का हक किसी को भी नहीं है। तू जाकर अपना काम कर। लगता है इस नगरी में तू नया है। तुझे क्षमा करता हूँ, इसी क्षण अपनी जान बचा के चला जा। नहीं गए तो? लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं है, वरना हमारे सामने ऐसी बात नहीं करता। अपने घोड़े के लेकर फौरन यहाँ से निकल जा, जल्दी जा। आज तक मेरे सामने किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। तेरी ये मजाल, पकड़ लो उसे। बंद करो, लड़ाई बंद करो। तो यही तुम्हारा राजा है? इस बुड्ढे ने हमारे सैनिकों को मार गिराया महाराज। ऐसा क्यों किया? इन लोगों ने मुझसे शराफत से पेश नहीं आए, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरा हुलिया देख के ये लोग मुझे ऐसा वैसा समझ बैठे। दुष्ट शक्तियां मुझे देखकर दूर भागती हैं। मैं एक तांत्रिक हूँ। अपने आदमी से कहो कि ये मेरे साथ बदतमीजी से पेश नहीं आए। हाँ, नहीं तो अब गलत मत समझिए, आपको हमारे महल में आना ही होगा। क्या क्या कहा? अच्छा अच्छा, तुम इज्जत देना जानते हो, इसलिए तुम महाराज हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलता हूँ, चलो। और कितनी दूर जाना है? वो रहा हमारा महल। महल, महल। आपको एक दो रोज हमारी मेहमान नवाजी कबूल करनी ही होगी। जरूर। कुछ खास लोग ही आज तक हमारे मेहमान बने हैं। उसे जाने दीजिए, घोड़ा गया तो गया। हमारे महल में और बहुत सारे घोड़े हैं, जो आपको पसंद हो ले सकते हैं। वो अपने आप नहीं गया, मैंने ही उसे छोड़ दिया। कहीं जाके घास फूस खाने दो। जब मैं तुम्हारी दावत खाऊंगा तो उसे भी कुछ चलना चाहिए ना। चलिए महल में चलते हैं। आपका व्यवहार अजीब सा है और विचित्र भी। इंसान के जज्बातों की कदर करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जानवर के जज्बातों की कदर करने वाले आप जैसे को मैंने नहीं देखा। आए, 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 आए,
अगर चाहें तो आप भी नृत्य कर सकते हैं, क्या इरादा है? मुझे नाचना नाचना नहीं आता है ना। ये गंदा बुढ़ा कौन है? पिताजी कह रहे थे ये कोई मांत्रिक है, पर मुझे तो शक्ल से ये कोई चोर लगता है। कि वो बुढ़ा क्या कर रहा है? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे इसी वक्त उस बुढ़े को देखना है। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। कौन हो तुम? मैं बुला रहा हूँ और तुम रुक नहीं रहे। ए, तुम इस वक्त हमारे
हमारे महल में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा नाम विजय है। मैं अपने पिता की खोज में पूरब की ओर जा रहा हूँ। ये बात है। अच्छा ये बताओ, तुम हमारे महल में क्यों आए हो? एक बूढ़ा मुझे मार के मेरी जादुई छड़ी को छीन के ले गया। जादुई छड़ी? हाँ सुनो भैया, कहीं वो बूढ़ा, उस गंदे बूढ़े के हाथ में भी एक छड़ी थी ना। मांत्रिक की बात कर रही है? वो मांत्रिक होने का ढोंग करता है। उसने मुझे पहाड़ से धक्का देके मेरा मायावी घोड़ा और मेरी जादुई छड़ी को चुरा लिया। मतलब उस छड़ी के लिए तुम यहाँ आए हो? चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरी छड़ी मुझे दे दो, मैं तो तीनों को मार डालूंगा। तीनों को। तुम कुछ करो ना। देते हो या नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। पिताजी ये फरेबी विजय की छड़ी चुरा के ले आया। इतना ही नहीं, ये बहन को भी मारना चाहता था। देख देख आ रहा है, थोपड़ा तो देख उसका, बुढ़ा बंदर। आपको एक सच्चा मंत्रवादी मानकर ही आपको अपने महल में लेकर आया, लेकिन अफसोस। नहीं नहीं नहीं, इस शैतान लड़के ने ही जब मैं सो रहा था तब मेरी जादुई छड़ी को चुरा कर इस बेकार छड़ी को रख दिया। महल में आते समय मेरे हाथ में यही छड़ी थी। झूठ मत बोलो, ये आदमी झूठ बोल रहा है महाराज। ये छड़ी मेरी है, मेरे नाना जी ने मुझे दी। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है महाराज, इसकी बातों में मत आइए। बस कीजिए, कसूर करने वाला जो भी हो हमसे बच नहीं सकता। ए तांत्रिक, आपका घोड़ा कहाँ है? कहाँ गया आपका घोड़ा? महाराज जो घोड़ा चढ़ने गया क्यों नहीं लौटा? वो गया ना, वो कहीं घास चर रहा होगा। हाँ अगर वो वाकई आपका घोड़ा है तो उसे जरा बुलाकर दिखाइए। इसने भी कहा था वो घोड़ा इसका है, इससे कहे कि उसे बुलाए, देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। बुलाने के लिए कहिए, वो घोड़ा नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि वो घोड़ा मेरा है। और अगर वो तुम्हारा घोड़ा है
तुम्हारे बुलाने पर आना चाहिए ना, तो जरा बुलाकर दिखाओ तो। सीटी बजाने से वो नहीं आएगा। अब आप क्या कहते हैं तांत्रिक? धोखा किया है, धोखा किया है। इसे काला जादू करके मेरे घोड़े को वश में किया है। हम झूठ मत बोलिए। अब हम आपका विश्वास नहीं करेंगे। सिपाहियों, इसे ले जाकर कालकोठी में बंद कर दो। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। अरे कह रहा हूँ, आगे मत बढ़ना। एक मिनट रुकिए महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं विनती करता हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। वो तो तुम्हें मारने वाला था। माना कि ये कसूरवार है, लेकिन आप इसे माफ कर दीजिए। मेरे नाना जी कहा करते थे कि वही इंसान है जो दूसरों को माफ कर देता है। ज्योतिषी महाराज, आपने जिस योद्धा का जिक्र किया, मेरा भी यही विचार है महाराज। सिपाहियों, बालक की इच्छा अनुसार इस तांत्रिक को हमारी सरहद के पार ले जाकर छोड़ दो। हमारी नजरों से दूर हो जाओ, इसी वक्त यहां से चले जाओ। अपनी जान बचा लो, निकल जाओ। छड़ी जी, मेरी जादुई छड़ी। वो यहां से बच के ना जाने पाए। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। जादुई छड़ी से सबको मार दूंगा। मेरी छड़ी। सेनापति, मम्मी टापू यहाँ से कितनी दूर है? वो ठीक से मालूम नहीं, लगता है कुछ समय और लगेगा। सेनापति। राजकुमार, राजकुमारी। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार और राजकुमारी महाराज को बताए बगैर जहाज पे चढ़ गए। आप दोनों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया राजकुमार। अगर महाराज को पता लग गया तो वो चिंतित होंगे। मेरा कहा मानिए, आप दोनों लौट जाइए। नहीं, हम महल में वापस नहीं जाएंगे। आपको हमारी बात माननी होगी। महल में हमारा दम घुट रहा है। हाँ, हम महल की चार दीवारी में नहीं रहना चाहते। हम अपने दोस्त विजय की तरह दुनिया देखना चाहते हैं। हम खतरनाक मम्मी टापू की तरफ जा रहे हैं। वहाँ आपका आना ठीक नहीं है। दया करके मेरी बात मानिए। मम्मी है तो कोई बात नहीं, खतरों से खेलना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्यों भैया? जब मेरी बहन ने कह दिया तो हम भी एक हाथ देख लेंगे। आप बेवजह फिकर मत कीजिए सेनापति। और वैसे भी हम खतरों का खेल कब खेलेंगे? आप इनकार मत कीजिए सेनापति। विजय, तुम भी बोलो ना। ठीक है। सावधान, मम्मी आ रही है। सब तैयार हो जाओ। कोई भी हमसे बच नहीं पाएगा। उन्हें मत छोड़ो, खत्म कर दो। कोई भी बच के नहीं जानी चाहिए। सब लोग चौकन्ना रहो, हमला बोलने के लिए तैयार रहो। Ah!
भाई को किसी तरह बचाना होगा। उसे छोड़ दो, कुछ तो करो विजय। सूर्य, Yeah!
जादुई छड़ी के शक्ति से सारी मम्मियां खत्म हो जाएं। दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। अब पता चलेगा किसकी जिंदगी बुझेगी। अब भी तू समझता है कि मेरे हाथों से अपने भाई को बचा लेगा? समझता ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैदान जंग में आया हूँ। ये तेरी गलत फहमी है। अगर तू वाकई बहादुर है तो मेरे आदमियों से मुकाबला करके अपने भाई को ले जा। मम्मी टापू की सभी मम्मियां मिट चुकी हैं। राजकुमार, मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें बहुत जल्द अपने पिता का पता लगाना है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी विजय। मैं भी नहीं। तैयार हो जाओ।
कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमला करो। तेरे वंश का नाम और निशान मिटा दूंगा। जिंदगी भर किए तेरे पापों का आज ही अंत हो जाएगा। अपना भाई चाहिए या नहीं? शाखाल, अगर तूने मेरे भाई को कुछ किया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। छोड़ दे उसे। अपनी तलवार फेंक कर खुद को हमारे हवाले कर दे वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा। चलो सूर्या। मेरे भाई के कहने पे तुझे तेरी जिंदगी बख्श देते हैं।
कायरों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूं। नहीं, दुश्मनों को भी माफ कर देना चाहिए। पिताजी कहा करते थे, क्या तुम्हें याद नहीं? शाकाल, तुम भाग जाओ। जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, रणभूमि में हमारी मुलाकात होती रहेगी। फरिश्ता बनकर आए और हमारी जिंदगी बचाई। कौन हो तुम? मेरा नाम विजय है। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? सागर कन्या, ये तुम्हारे पास कैसे? मेरी माँ ने मुझे दिया है। तुम्हारी माँ ने दिया है? तुम सागर कन्या के बेटे हो? मतलब मेरा बेटा? बेटा, पिताजी, डरता था कहीं तुम दोनों से मिले बिना ही मैं मर ना जाऊं। बहुत संघर्ष करने के बाद, कई रुकावटों को पार करके सागर कन्या का बेटा विजय अपने पिता से मिलता है। वो ना सिर्फ अपने बिछड़े हुए माता पिता को एक करता है, बल्कि मम्मी टापू से तमाम मम्मी का खात्मा करके उस इलाके से गुजरने वालों का खतरा भी दूर करता है।